दोस्तों कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रही हैं तो देख लेते हैं इस वीडियो में सायंकालीन के महत्वपूर्ण रोजगार समाचार सबसे पहली अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई 26000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी होना इसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है उसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला की तरफ से अपडेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को पुलिस में भर्ती का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है खबर है कि भर्ती बोर्ड द्वारा जल्द ही इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है बिल्कुल आज की लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही राज्य के पुलिस विभाग में छब्बीस हज़ार नए जवानों को भर्ती किए जाने की तैयारी चल रही है यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती की रूपरेखा तैयार कर ली है अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा व अन्य चयन प्रक्रिया को पूरी करवाने वाली पात्र संस्था का निर्धारण होते ही नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ठीक है और आपको बता दें कि जो एजेंसी है उसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान है और जैसे एजेंसी का चयन हो जाता है आपको यूपी कांस्टेबल भर्ती के छब्बीस हजार पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा ठीक है अभी तक इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है जैसे इसकी अनाउंसमेंट होती है जो कुछ भी अपडेट मिलती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट किया जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ दूसरी अपडेट है यूपी ट्रिपल एस सी पी एग्जाम को लेकर के आप लोग जानते होंगे कि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पीटी एग्जाम का आयोजन सितंबर महीने में करवाया जाना है और इसके लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है अगर समय से सारी चीज़ें हुई तो आपकी ये परीक्षा सितंबर 2022 में होगी बहुत से अभ्यर्थी पिछली बार पेट परीक्षा नहीं में शामिल नहीं हो पाए थे कि या उनका स्कोर कम है तो इस बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए और पेट परीक्षा में अच्छा स्कोर लाइए क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती से कितने सारे अब भर्ती बाहर है इसके अलावा और भी कई सारी भर्तियाँ आनी हैं उनमें अभी अब डरे हुई हैं कि पता नहीं क्या कट ऑफ लगा ना दी जाए तो इस वजह से अगर आपका पेट में स्कोर अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस बार अच्छे से तैयारी करके आप पेट में शामिल होइए बात करें इसके आवेदन फार्मिंग को तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी ट्रिपल एस द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर को करवाया जाएगा और अनुमान है कि राज्य में लेखपाल भर्ती परीक्षा के बाद जल्द ही पीटी की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो अभी आप लोग जानते होंगे लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए जो फीस प्रक्रिया प्रक्रिया है वो इस समय शुरू हुआ है तो उम्मीद है इसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ठीक है तो फिलहाल अभी ये कोई स्पष्ट डेट नहीं बताई जा सकती कब इसका बट का नोटिफिकेशन आएगा लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपका जो है उम्मीद है कि लास्ट मई तक या जून के पंद्रह जून तक आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ठीक है जो कुछ भी अपडेट होगी इसको लेकर के समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी बात करेंगे यूपीएसआई पेपर मामले को लेकर के आप लोग जानते हैं विभिन्न मुख्यालयों में जो इस समय है यूपीएसआई में फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी लगातार डेली पकड़े जा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी जो किसी तरीके से लिखित परीक्षा में धांधली की भ्रष्टाचार किया और लिखित परीक्षा को क्वालिफाई किया अब ये अभ्यर्थी जब बायोमेट्रिक से इनकी मिलान वगैरह हो रहा है इनका तो यहाँ पर ये यह पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अपडेट किया गया है कि एट कैंडिडेट्स अरेस्टेड टूडे इन डी वी पी एस टी ऑफ यू पी एस आई एग्जाम ठीक है तो आठ उम्मीदवार जो है आज यहाँ पर गिरफ़्तारी किए गए इसी तरीके से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब यह अभ्यर्थी पकड़े ना जाए कोई ना कोई दो चार दस अभ्यर्थी बारह अभ्यर्थी डेली समय इस एग्जाम में पकड़े जा रहे हैं देखा जाए तो एक तरीके से इस यूपीएसआई भर्ती में एक बड़ा स्कैम आप लोग कह सकते हैं क्योंकि लिखित परीक्षा में जब इन्होंने इन्होंने धांधली की भ्रष्टाचार किया और क्वालिफाई करके एग्ज़ाम यहाँ तक पहुँचे और डेली के डेली पकड़े जा रहे हैं तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार यू भर्ती में हो सकता है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती परीक्षक में जाँच कराने की मांग कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर के आंदोलनरत भी हुए और अभी भी एक्टिव हैं बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो रेलवे एनटीपीसी भर्ती को लेकर के है आप लोग जानते हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम हुआ नौ और दस मई को करवाया गया था ठीक है और ये एग्जाम हुआ था लेवल सिक्स एंड फोर के लिए तो इसकी जो आंसर की है क्वेश्चन पेपर है रिस्पॉन्स शीट है वो जारी कर दिए गए हैं अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं प्रश्न पत्रों में जो उत्तर दिए गए हैं तो उसमें आप लोग अपने ऑब्जेक्शन्स भी फाइल कर सकते हैं उसी के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी की गई देखिए यह टाइम लाइन दी गई है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखने के लिए और उसमें ऑब्जेक्शंस करने के लिए ठीक है और फीस पेमेंट वगैरह करने की जो प्रक्रिया है वो तेरह मई पाँच बजे से शुरू हो रही है ठीक है और इसमें जो क्लोजिंग विंडो है वो आपके क्वेश्चन पेपर देखने के लिए ऑब्जेक्शन एंड पेमेंट के लिए वो आपकी अट्ठारह मई रात्रि बारह बजे तक चलेगी तो जो भी अभ्यर्थी रेलवे एन सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम में एपियर हुए हैं वो देख लें अपना जो रिस्पॉन्स सीट है क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लें उसमें मिला लें अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो उसमें अपने ऑब्जेक्शंस आप फाइल कर सकते हैं आपके लिए टाइमलाइन लाइन ये दी गई है ठीक है और इसमें आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए पेमेंट भी करना होगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन फिफ्टी रुपीज प्लस अप्लीकेशन बैंक चार्जेस सर्विसेज पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन में पचास रुपए प्लस जो बैंक चार्जेस होंगे ये आपको देना पड़ेगा जितने क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन डालेंगे उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर के तो यहाँ पर देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो जी आई सी जो जी, जी आई सी हैं वहाँ पर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर के संबंध में ये देखिए यहाँ पर नोटिस जारी की गई ग्यारह मई को यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अध्यक्षता में 28 अप्रैल को आहुत बैठक में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए ठीक है अतः जो भी शिक्षक इन विद्यालयों में कार्यरत हैं प्रत्येक कर्मचारी का मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण एवं सेवा विवरण पूर्ण रूप से फीड किया जाना अनिवार्य है तथा तो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिलीविंग की जाएगी अतः यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत महिला पुरुष अध्यापक प्रवक्ता प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य इनका शत प्रतिशत फीडिंग कराना सुनिश्चित करें और इसकी जो सत्यापन की सूचना शिक्षा निदेशक को हर हाल में चार मई के जारी आदेश के क्रम में इस ईमेल आईडी पर इस पो जो इस फॉर्मेट में दिया गया इसमें उपलब्ध करवाने का क्वेश्चन करें ये चीज़ें यहाँ पर देखिए जारी की गई ग्यारह मई की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है तो फिलहाल जी जो है कॉलेज है वहाँ पर तो ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया गतिमान है लेकिन बात करेंगे टिजीटी पिजीटी कॉलेजों में तो वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हुई है कारण ये कि माध्यमिक विद्यालयों में खासकर टिजीटी पिजीटी विद्यालयों में जहाँ पर एडिड टीचर होते हैं एडिड विद्यालय होते हैं वहाँ पर क्या है कि एक कोर्ट केस लगा हुआ है कोर्ट किसके अंतर्गत यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो ठप पड़ी हुई है जब तक कोर्ट केस का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक टीजीटी टी जी के ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होंगे लेकिन वहीं पर बात करें ऑफलाइन ट्रांसफर के बारे में टीजीटी पी जी के तो ऑफलाइन ट्रांसफ़र के बारे में दोस्तों लगातार हमारे यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांसफ़र अभी भी हो रहे हैं आप लोग ये लेटर देख पा रहे होंगे जो शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया गया जिला विद्या निदेशक गोंडा के लिए 10 मई 2022 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट और यहाँ पर एक अभ्यर्थी शिक्षिका हैं डॉक्टर ममता किरण राव ये प्रधानाचार्य हैं जो कि सरयू प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज गोंडा में है और इनका आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज बादशाह नगर लखनऊ में स्थानांतरण ऑफलाइन ट्रांसफ़र के में किया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जब ऑफलाइन ट्रांसफ़र किया गया है ठीक है तो बाकी का क्यों नहीं किया जा रहा है अगर जो प्रक्रिया है वो सभी के लिए लागू होनी चाहिए लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है ठीक है और अगर आप जियो पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो ज़रूरतमंद है ठीक है जिसको विशेष अपरिहार्य कारण है उनके लिए ऑफलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी शुरू हुई है बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए ऑफलाइन ट्रांसफ़र पूरी तरीके से बंद है कहने का मतलब ये कि जिसका पहुंच है जिसका सोर्स है उसका ऑफलाइन ट्रांसफर अभी भी हो रहा इस है इस तरीके से कई जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर सॉरी ऑफलाइन ट्रांसफर हुए हैं ठीक है लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर की बात करें तो फिलहाल उसके बारे में भी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है अभी प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद है ऑनलाइन ट्रांसफर की जैसे ही खुलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट किया जाएगा अंत में बात कर लेते हैं हम लोग एस एस को लेकर के तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया है ऑफ पेट या पी कॉन्स्टेबल जी के बारे में यहाँ पर अपडेट है ठीक है तो यहाँ पर एस एस के अंतर्गत जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ठीक है उसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी की गई और यहाँ पर लिखा है कि जो भी क्वालिफाइड या शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी हैं वो 18 मई से 9 जून के बीच ठीक है ये जो पीटी एग्जाम में करवाया जाएगा इसके जो एडमिट कार्ड हैं वह वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक सामने दिया गया है इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग संबंधित वेबसाइट से इसका जो एडमिट कार्ड है पेट का वो डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद